ये स्टूडेंट्स कम टू द पेज नंबर 83 ऑफ योर बुक वर्कशीट 3 एंड टेक आउट योर पेंसिल. एवरीबडी पेंसिल यूज करेंगे बुक में, आपने पेन यूज नहीं करना. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे गिवन है, राइट इन डेसिमल फॉर्म. आपने फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है. स्टूडेंट यहाँ पे आपको गिवन है 9/100. 100 में 2 जीरोज आ रही है, इट मीन्स न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है. लेकिन आपके पास ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 9, तो हम क्या करेंगे 9 से पहले 0 ऐड कर देंगे. ठीक है, वी विल ऐड 0 बिफोर 9, देन पॉइंट लगा देंगे. ओके, तो ये क्या बन गया 0.09. स्टूडेंट इसी तरह से बी पार्ट है 3/100. 3/100 को हम कैसे करेंगे, सेम इसी मेथड से करना है बेटा. 100 में 2 जीरोज आ रही हैं, इट मींस कि न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है. 3 सिंगल है, उसको हम क्या कर देंगे 2 बना देंगे बाय एडिंग 0 बिफोर 3, देन वी विल पुट ए पॉइंट, यानी कि डेसिमल लगा देंगे. फिर ये 0.03 हो जाएगा, या फिर आप इसको 0.03 भी लिख सकते हैं. ओके, इसी तरह से आपका सी पार्ट है 12/100, तो क्या बन जाएगा ये 0.12. डी पार्ट भी सेम है इसका 23/100, व्हाट इट बिकम 0.23. इसका एच पार्ट देखिए 92/1000 है, तो बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है 1000 में 3 जीरोज आ रही है, तो 92 को हम क्या बनाएंगे 3 डिजिट. तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 0 बिफोर 9. अब ये बन गया 3 डिजिट, अब हमने 0 से पहले पॉइंट लगाना है. ठीक है, अब ये आपके पास डेसिमल में चेंज हो गया 0.092. आप इसको 0.092 भी लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, इसी तरह से बेटे इसके और पार्ट्स हो जाएंगे. आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, वी हैड डन अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट एज फ्रैक्शन. आपने अब डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है. जैसे आप नीचे वाले डिनोमिनेटर को चेक करके ये फाइंड आउट कर रहे थे कि जितनी जीरोज आएंगी उतने डिजिट से पहले न्यूमरेटर में पॉइंट आएगा, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है सेम वही मेथड लगाना है. पॉइंट के बाद बेटे जितने भी डिजिट्स आ रही हैं उतनी जीरोज लग जाएंगे डिनोमिनेटर में. ठीक है, 0.67 है तो 67 को लिख देंगे और अपॉन में क्या लगाएंगे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 67 2 डिजिट्स आ रही हैं, 1 लगा के 2 डिजिट्स यानी कि 2 जीरोज लगा देनी है. ओके, सेम एज इट इज बी भी आपका ऐसे ही होगा 0.42, तो क्या करेंगे हम 42 लिखना है और अपॉन में 100. ओके, इसी तरह से इसका सी पार्ट है 0.39, तो 39/100. डी ई एफ सेम है बेटे, जी पार्ट पे आइए 0.731. अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रही हैं, इट मीन्स कि 731 के नीचे क्या आएगा 3 जीरोज यानी 1000 आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया 731/1000. सो लाइकवाइज स्टूडेंट एच पार्ट और आई बी इसका सेम है. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू द वर्कशीट 4. स्टूडेंट मैंने जो आपको बताया था बेटे एक्सपेंडेड फॉर्म, ये वो वाली वर्कशीट है जहाँ पे आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है डेसिमल नंबर को. लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट गिवन है आपको 17.25. ठीक है, 17 यानी कि 17.25. यहाँ पे बेटे आपको गिवन है 2 इज इन द डैश प्लेस. आपसे पूछा जा रहा है जो 2 है वो कौन सी प्लेस पे है. ऑब्वियसली पॉइंट के बाद वाली प्लेस है तो वो 10th प्लेस पे हो जाएगी. ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 10th, यानी कि ये जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है. बी पार्ट देखिए 892.416. यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है, तो प्लेस वैल्यू क्या है 4 की, ये लिखा ना यहाँ पे 4 इज इन द डैश प्लेस यानी कि 10th प्लेस, क्योंकि पॉइंट के बाद आ रहा है 4. ओके, तो ये 10th पोजीशन पे आ रहा है, तो इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे 10th. लाइकवाइज C
सी पार्ट देखिए 57.63, थ्री की प्लेस बतानी है, थ्री जो है बेटे हंड्रेड प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। अगर थ्री सिक्स की प्लेस पे आता तो वो टेंथ प्लेस बन जाती, ओके। इसी तरह से इसका डी पार्ट है, सेवन की पोजीशन पूछी है तो सेवन की पोजीशन क्या आएगी, थाउजेंड्स। यहाँ पे फाइव की पोजीशन पूछी है, फाइव की पोजीशन क्या है, टेंथ। सेवन क्या है, वंस पोजीशन पे, और फाइव है टेंथ पोजीशन पे। नाउ जीरो का पूछा जा रहा है, पॉइंट के बाद आ रहा है, इट मीन्स टेंथ प्लेस। आई होप आपको क्लियर है बेटे। क्वेश्चन नंबर टू पे आइए, बस हम क्वेश्चन नंबर टू ही करेंगे वर्कशीट फोर का, ओके। देन टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस वर्कशीट। देखिए यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट ए पार्ट देखिए 19.892, आपको मैंने क्या बताया था, जो वन है ये आपका टेंथ प्लेस का है, तो आपने क्या करना है, वन के बाद बेटे जीरो लगानी है, क्योंकि जब भी आप किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू बता रहे हो, इट मीन्स कि जो उससे आगे वाली डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, और जो पॉइंट से पहले नाइन है उसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है, इसीलिए हम उसको नाइन ही रहने देंगे। देन प्लस एट अपॉन में टेन प्लस नाइन अपॉन में हंड्रेड, हंड्रेड सेकेंड प्लेस पे आ रहा है, यानी कि हंड्रेड पोजिशन पे आ रहा है, ठीक है, इसकी प्लेस यही है। प्लस टू अपॉन थाउजेंड्स, यानी कि नीचे हमने क्या कर देना है, थाउजेंड लगा देना है, ओके। आपको पता है ना बेटा कि आपने पॉइंट जो डेसिमल लगा होता है, डेसिमल वाले पार्ट को आपने कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, आप इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। जैसे कि पॉइंट एट है तो पॉइंट एट को हम क्या लिखेंगे, एट बाय टेन। प्लस पॉइंट एट्टी नाइन, लेकिन हमें सिर्फ नाइन का बताना है, तो एट को इग्नोर कर दो, वहाँ पे जीरो आ जाएगी, पॉइंट के बाद टू डिजिट्स प्रेजेंट है तो हंड्रेड आ जाएगा। प्लस टू के नीचे क्या आ जाएगा, फिर थाउजेंड, क्योंकि पॉइंट के बाद टू तक थ्री डिजिट हो गई, ओके, तो थ्री जीरोस। लाइकवाइज आप इसको कर सकते हैं। इसका बेटा सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में आपको, बी पार्ट भी इसका बेटा सेम है, मैं सी पार्ट बता रही हूँ, सारे पार्ट्स इसके सेम हैं, एक बार देख लीजिए आप। 62.306, 60 आपने लिखना है, प्लस टू प्लस थ्री अपॉन टेन प्लस सिक्स अपॉन थाउजेंड, क्योंकि जो सिक्स है बेटे वो थाउजेंड पोजिशन पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने जीरो की कोई प्लेस नहीं दी। वाई, क्योंकि जब हम जीरो को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे वी गेट जीरो, ओके, तो इसलिए हमने उसको शो ही नहीं किया। स्टूडेंट लाइकवाइज बेटा ऐसे ही आपके सारे पार्ट्स हो जाएंगे ई और एफ। आपने वर्कशीट फोर का एक क्वेश्चन नंबर टू तक कंप्लीट करना है, ओके। मैं आपको अभी इसकी पिक सेंड कर रही हूँ, सो डैट यू शुड कंप्लीट योर वर्क। आज के लिए इतना ही, एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद वर्कशीट फोर।